श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 बुधवार की सुबह 10:59 से हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को होगा, उसी समय यानी 10:59 से भद्राकाल आरंभ हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो भद्राकाल है वो पृथ्वी पर रहेगा। यानी पृथ्वी पर जब भद्राकाल रहता है तो उसे भद्राकाल नहीं वरन महाभद्राकाल कहा जाता है। इसलिए इस दौरान आप रक्षाबंधन का जो कार्य है वो संपादित नहीं कर सकते हैं, यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस दौरान नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्राकाल में दो कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी, दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना या रक्षा बंधन का महापर्व मनाना, और फाल्गुनी का अर्थ होता है होली का दहन करना। इसलिए आप 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से लेकर के रात को 9:02 तक महाभद्राकाल रहेगा, और इस महाभद्राकाल में किसी को भी रक्षाबंधन का महापर्व नहीं मनाना चाहिए, यानी राखी नहीं बांधना चाहिए। तो इस बार राखी बांधने का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से शुरू होकर के अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार का पूरा दिन राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि 31 अगस्त को पूर्णिमा त्रिमुहूर्त से कम है, इसलिए उस दिन राखी नहीं बांध सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई शंका या कुशंका आपके मन मस्तिष्क में है तो सर्वप्रथम आप जब पूजन अर्चन करें 31 तारीख को, उस दिन प्रभु को अपने आराध्य देव को इष्ट देव को राखी समर्पित कर दें, और उसके बाद आप रक्षाबंधन का महापर्व मना सकते हैं। हालांकि इस विषय में हमने भारत के कई मूर्धन विद्वानों से भी चर्चा की है, उनका भी यही कहना है कि यदि सूर्योदय के समय किंचित मात्र भी पूर्णिमा तिथि है तो वह पूर्णिमा तिथि पवित्र मानी जाती है। इसलिए उदिया तिथि के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा के अनुसार 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन राखी बांधने का सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 6 बजे से शुरू होकर के 7:30 तक रहेगा, और उसके बाद अगला जो मुहूर्त आरंभ होगा वो सुबह 10:30 से शुरू होकर के 3:00 तक रहेगा, और उसके बाद शाम को 4:30 से लेकर 6:00 तक रहेगा, तथा शाम को 6:00 से लेकर के 9:00 तक भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं, लेकिन गलती से भी भूल कर भी आपको महाभद्राकाल यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से लेकर के रात को 9:02 तक राखी नहीं बांधना चाहिए। इस दौरान को अशुभ माना गया है, क्योंकि इस समय में राजा रावण की जो बहन थी उन्होंने रावण को राखी बांध दी थी, इस कारण रावण का सर्वनाश हो गया। तो यदि आप अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आपको महाभद्राकाल के समय को छोड़कर शेष समय में रक्षाबंधन करना चाहिए। अब एक और प्रश्न हमारे पास निरंतर आ रहा है कि 30 अगस्त को सुबह 10:59 के पहले पहले भद्राकाल आरंभ नहीं होगा, ऐसे में क्या उस समय राखी बांध सकते हैं क्या? तो हम आपको बता दें कि जो पूर्णिमा तिथि है वो 10:59 से ही आरंभ होगी, तो सूर्योदय से लेकर के सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा गया है। तो कभी भी चतुर्दशी तिथि में यानी 14 में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए।
रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा में करना चाहिए या उदय व्यापिनी पूर्णिमा में 31 अगस्त को भी आप कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।